नमस्कार दोस्तों, आईएस हब पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस नए वीडियो पर आज हम बात करेंगे नेशनल बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया के बारे में, सबसे अंत में हम डिस्कस करेंगे नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो उससे पहले एक बार मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था बायोटेक से रिलेटेड, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए 2021 में पूछा गया था, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फिर देखिए 2020 में पूछा गया था कोविड-19 से रिलेटेड एक क्वेश्चन, 2019 और 2018 में पूछा गया था स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स, व्हाई इज देयर सो मच एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन अवर कंट्री, हाउ हैज द एक्टिविटी बेनिफिटेड द फील्ड ऑफ बायोफार्मा। 2017 में पूछा गया था स्टेम सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि तब स्टेम सेल न्यूज में बहुत आ रहा था। फिर देखिए 2014 में पूछा गया था ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है ये है करंट से रिलेटेड, अगर आप लोग अच्छे से एडिटोरियल फॉलो करते हैं तो फिर आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। 2013 में पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन, डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो भारत में 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पिक्चर में आया था। तो उससे पहले था 1982 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। तो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड से ही आया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड का फर्स्ट सिलेक्टेड चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर एस रामाचंदन। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मेन फोकस क्या क्या है, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस, क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिएटिंग ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मेन विजन और मिशन क्या है। तो इसका विजन है अटेंडिंग न्यू हाइट्स इन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च फील्ड में एक नया ऊंचाई हासिल करना, इसके साथ ही साथ गरीब लोगों का भलाई के लिए बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना। और मेन मिशन क्या है, तो इसका मेन मिशन है रियलाइज फुल पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रोमोटिंग बायोटेक इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इंडिया के बारे में। देखिए जब आईटी इंडस्ट्री इंडिया में फर्स्ट आया था तब एक टेक्नोलॉजिकल चेंज का लहर आया था, वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में एक टेक्नोलॉजिकल चेंज का लहर आ सकता है। तो आने वाले दिनों में पुणे और हैदराबाद जैसे शहर बायोटेक्नोलॉजिकल हब बन सकता है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल वेल्थ क्रिएशन होगा, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। तो पोटेंशियल एरियाज कौन कौन सा है, जैसे कि देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इससे क्या क्या प्रोडक्ट निकल सकता है, फाइन केमिकल, एंजाइम, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, इंटरफेरॉन। फिर देखिए ट्रीटमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमटेरियल्स, ओके तो इससे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, सिंगल सेल प्रोटीन, माइक्रो प्रोटीन, एल्कोहल एंड बायोफ्यूल। फिर देखिए प्लांट एंड एनिमल सेल कल्चर, तो इससे आ सकता है फाइन केमिकल, तो फाइन केमिकल के अंदर है एल्कालॉइड, एसेंशियल ऑयल, डाइज, स्टेरॉइड्स। फिर देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, बायोफ्यूल्स, तो बायोफ्यूल्स के अंदर है हाइड्रोजन, एल्कोहल, मीथेन, एंजाइम्स, एंजाइम्स के अंदर है फाइन केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, बायोसेंसर, केमोथेरापी। फिर देखिए फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन से प्रोडक्ट बन सकता है एसिड, एंजाइम, एल्कोहल, एंटीबायोटिक्स। और प्रोसेस इंजीनियरिंग से बन सकता है एफ्लुएंट, वाटर रिसाइकलिंग, प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन, नोवेल रिएक्टर हार्वेस्टिंग। ओके अब हम बात करेंगे नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फर्स्ट आया था 2007 में, तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इससे हमें पता चला बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में क्या क्या एनोर्मस अपॉर्चुनिटीज है। तो इसका स्ट्रेटेजी 2 लॉन्च किया गया था 2015 में। तो 2015 से लेकर 2020 तक का ये टेन्योर था स्ट्रेटेजी 2। अब जो इंडिया में चल रहा है स्ट्रेटेजी 3, तो स्ट्रेटेजी 3 का टेन्योर है 2021 से लेकर 2025 तक। तो स्ट्रेटेजी 2 का मेन मिशन क्या है, तो स्ट्रेटेजी 2 का मेन मिशन है यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड टूल
फॉर द एडवांटेज ऑफ ह्यूमिनिटी, जेनरेशन ऑफ न्यू बायोटेक प्रोडक्ट, इसके साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स को साइंटिफिकली एम्पावर करना और इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ठीक है। तो ये है मेन मिशन। तो इसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल है बिल्डिंग ए स्किल वर्कफोर्स एंड लीडरशिप, इसके साथ ही साथ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एनहेंस करना बेसिक और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस फील्ड में, और जो जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्च है तो फोकस ऑन बायोटेक्नोलॉजी टूल फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फिर देखिए बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च को कॉमर्शियलाइज करना, इसके साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है तो ये स्ट्रेंथ करना, ओके। तो ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ये अचीव करने के लिए गवर्नमेंट सहारा ले सकता है, अन्य जो डिपार्टमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट का सहारा ले सकता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट का मेन टारगेट क्या है, 2025 तक भारत को $100 बिलियन का इकोनॉमी बनाना, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में 2025 तक $100 बिलियन का इकोनॉमी बनाना। तो इसके लिए जो मेजर मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा हेल्थ केयर फील्ड में, फूड एंड न्यूट्रिशन फील्ड में, क्लीन एनर्जी एंड एजुकेशन फील्ड में। तो अब इंडिया में चल रहा है स्ट्रेटेजी 3। तो स्ट्रेटेजी 3 का मेन विजन मिशन क्या है? तो विजन है टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज ए प्रीमियर प्रिसिशन टूल फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी, और मिशन है टू मेक इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन ट्रांसलेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड बी ए $150 बिलियन बायो इकोनॉमी बाई 2025। और ये है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए 2017 में मार्केट साइज कितना था, $44 बिलियन का। तो 2025 तक मार्केट जो है ये अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है $150 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बाकी टारगेट जो इंडिया को अचीव करना है। तो ये एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।